तो सबसे पहले आज चर्चा होगी कि हमारा सेशन आयोजित कैसे होगा, अब आगे की क्लासेस कैसे होंगी, तरीका क्या रहेगा हमारी क्लासेस का। शुरुआत यहीं से करते हैं ताकि एक एक चीज़ आप लोग की क्लियर हो जाए। सबसे पहले चार सेशन हैं आप लोगों के। शुरुआत आपकी ज्योग्राफी से होगी, मंडे से शुरू होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी क्लास होगी आपकी ये मंडे टू फ्राइडे होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी, 5 दिनों की क्लास रहेगी हमारी, ठीक। 5 डेज क्लास है ये। 5 दिनों की क्लास में पहला सेशन आप लोगों का रहेगा ज्योग्राफी का। टाइमिंग रहेगी इसकी, इसमें इंडियन ज्योग्राफी चलेगी, इंडियन प्लस फिजिकल ज्योग्राफी ये चलेगी। टाइमिंग इसका रहेगा 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, ठीक। ये आप लोगों का इसका टाइम है। बेसिक से शुरुआत यहाँ पे होगी, क्योंकि अब लंबा चलना है हमें, हर सब्जेक्ट को बेसिक से आपको लेकर के चला जाएगा। लाइव ऑफलाइन भी है ये, ऑफलाइन भी है। अब मुझे ये चीज़ क्लियर करना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, और एक तरीके से ये अल्टरनेटिव सिस्टम है। यदि आप लोग ऑफलाइन आना चाहें, ऑफलाइन आके बैठिए, क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। संभवतः यदि पॉसिबल हो तो ऑफलाइन आइए। यदि किसी दिन कोई भी बाधा आती है, कोई भी बाधा, बाधाएं भी आती रहेंगी, और ये बाधा 2020 में नहीं ख़त्म होने वाली, ये बाधा आपकी 21 में भी पूरा चलेगी, अभी ये रुकने वाला नहीं है। तो हम जो है इस बाधा को ध्यान में रखते हुए ये अल्टरनेटिव सिस्टम के साथ हैं। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं लाइव ऑफलाइन में, आप लोग भी ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। हमें आपके पास दोनों विकल्प हैं, आप ऑफलाइन कभी भी आ सकते हैं। बस हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी क्लास नहीं मिस करनी हमें किसी भी तरीके से। आप अब देखो, आप लोगों के साथ भी है, मान लो आप लोग रास्ते पे भी ट्रैवल कर रहे हो ना, तो 9 बजे की क्लास आपके ग्रुप चैट में मिलेगी, ठीक। या उसके बाद की जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, सबके अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग बैच हैं, सारे बैच अलग अलग हैं, ज्योग्राफी का बैच अलग है। दूसरा बैच जो आपका है वो है इंटरनेशनल साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक का, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दूसरा बैच आपका साइंस एंड टेक का है, समयावधि इसकी 11 बजे से लेकर के कितने बजे तक है, 12:30, 1.5 घंटे की क्लास है ये, ठीक। आधे घंटे में क्या करेंगे मैं अभी आप लोगों को ये भी स्पष्ट कर दूंगा। इसके बाद तीसरी क्लास आपकी है इथिक्स की, जो मुझे खुद करानी है, इथिक्स की क्लास है, इथिक्स की क्लास। इसकी टाइमिंग है हमारी 1 बजे से लेकर के ये जाएगा आपका 14:30, यानी 2:30 बजे तक, 1.5 घंटे की क्लास ये है। देखो ये क्लास कभी 3 घंटे की चला करती थी, हम जब ये क्लास चलाते थे 3 घंटे की चला करती थी, हमारे पास मजबूरी हो गई, हम क्लास 3 घंटे की भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मजबूरी क्या है कि डेटा की प्रॉब्लम है बच्चों के पास, 3 घंटे की क्लास के लिए 2GB डेटा में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। दिमाग लो यही क्लास आप घर से देखोगे तो आप लोगों के लिए यही क्लास, तो यहाँ पे समयावधि थोड़ा सा कम किया गया, 1.5 घंटे की क्लास है, बीच में 1/2 घंटे का रिफ्रेशमेंट है, 1/2 घंटे आराम से रिफ्रेश होइए। जो डाउट पूछना चाहें ऊपर आपको टीचर मिल जाएंगे, आप जा कर के कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक। और यही सेम सिस्टम लाइव ऑफलाइन वालों के लिए भी रहेगा। चौथा चीज़ है आपका, चौथी क्लास आपकी रहेगी इंटरनेशनल रिलेशन की, इंटरनेशनल रिलेशन की, ठीक है, IR की क्लास है ये। क्लास आपकी जो है 3 बजे से चालू होगी और जाएगी ये 4:30 तक। मान लो कोई क्लास 2 घंटे की भी हो जाती है तो थोड़ा टाइमिंग आपका अप डाउन हो सकता है। सभी लोगों से मेरी गुजारिश ये है, आप लोगों को ध्यान से एक चीज़ समझनी है, हो सकता है, फ्यूचर की बात मैं बता रहा हूँ, कोशिश हमारी रहेगी कि इस टाइम को हम हमेशा मेंटेन रखें। ये भी हो सकता है कि टीचर हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए, एक इशू ये आ सकता है, ये भी हो सकता है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम आ सकती है, सारी चीज़ों को पहले से ध्यान में रखना है। लेकिन क्लास होगी आपकी, चाहे क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म पे आए, आपको मान लो इंटरनेट का इशू है तो ऑफलाइन में तो क्लास होगी ही होगी, है ना, तो रिकॉर्डेड रूप पे भी लिंक पहुंचेगी, क्लास होगी, बस ये दिमाग में बैठाना है। यदि कभी कोई छुट्टी होगी तो ग्रुप में ही मैसेज आएगा। अब हमारा जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन किस माध्यम से होगा, एक ही माध्यम हमारे कम्युनिकेशन का, वो माध्यम है हमारा ग्रुप,
सब लोग ग्रुप से जुड़े हो आप लोग, एथिक्स का ग्रुप आपका बना हुआ है, आईआर का ग्रुप अलग बना हुआ है, एग्जाम इंडिया ऐप है, एग्जाम इंडिया ऐप में ये ग्रुप है, एग्जाम इंडिया ऐप में ये ग्रुप आपका संचालित है। बताइए कोई दिक्कत हो तो, इसमें कोई डाउट हो तो आप बताएंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि 3 महीने के अंदर अंदर हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाए। 3 मंथ में आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, ये पहला महीना दिसंबर, दूसरा जनवरी, तीसरा फरवरी, 4 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से कंप्लीट होंगे। कंप्लीट करने के 2 तरीके हम लेके चलेंगे। एक तो आपको जो क्लास करवाया जा रहा है, क्लास में साथ, जैसे आप ज्योग्राफी आप करेंगे तो ज्योग्राफी में मैपिंग भी होगी आपकी, साथ में मैपिंग भी करेंगे, एटलस लेके बैठेंगे, बुक लेकर के बैठेंगे, साथ साथ आपको जो है सारा कुछ मैपिंग का काम करेंगे, और साथ साथ आपको जो भी चीज़ें लिखवाएंगे तो नोट्स भी बनवाए जाएंगे प्रॉपर। हर क्लास में नोट्स बनेंगे हमारे, हर क्लास में हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे, हर चीज़ को लिखते हुए भी चलेंगे। पहले हर चीज़ समझाई जाएगी, फिर हर चीज़ को लिखवा भी दिया जाएगा ताकि आप फ्यूचर में रिवाइज कर सकें, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी डिटेल से होंगी, समग्रता से होंगी, ठीक। तो ये सुबह से शाम तक की जर्नी है। अब ये आप लोगों के लिए पास ऑप्शन था कि आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते, ये ऑप्शन था। कोई बच्चा है जो ज्योग्राफी में जुड़ रहा है, कोई है साइंस टेक में जुड़ रहा है, कोई है एथिक्स में जुड़ रहा है, कोई है आईआर में जुड़ रहा है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप एक क्लास ले रहे हैं, 2 क्लास ले रहे हैं, 3 क्लास ले रहे हैं, कोई भी वजह हो सकती है कि आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, कोई भी वजह, जैसे मान लो आप में से किसी को जुकाम बुखार खांसी कुछ भी है, तो फिर बेहतर क्या हो सकता है आपको, आपको क्लास नहीं आना चाहिए, आपको ये कार्य घर से ही करना है, क्योंकि घर पे भी आपके पास क्लास है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना, एक ऑप्शन आपको यदि मिल गया है तो इस ऑप्शन का आप गलत फ़ायदा मत उठाना, इतना इथिक्स आपके अंदर होना चाहिए, इथिक्स चूँकि मैं आपको पढ़ाऊँगा तो इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि आप क्लास में उपस्थित होंगे तो एक अलर्टनेस रहेगी, टीचर के सामने है, आप लोगों के पास मौका इस चीज़ का है कि संख्या कम है तो आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी जानना चाहे जान सकते हैं, जो आपके दिमाग के डाउट्स हों क्लियर कर सकते हैं और एक्टिव रह सकते हैं, यहाँ पर डीएक्टिवेट रहने जैसी कोई बात नहीं रहेगी, ठीक, समझ रहे हैं। और जितना आप देखो यहाँ से करके जाने के बाद, अब जैसे 4:30 बजे आप फ्री होते हैं, उसके बाद आपको राबिन सर मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम उनसे आप ले सकते हो। वैसे 5 बजे से हमारा क्या होता है, आंसर राइटिंग की क्लास होगी, कहाँ होगी, वो लाइव होती है, तो पॉसिबल ये है कि आप क्लास में ही चीज़ों को निपटा लें। 4:30 के बाद वो भी आंसर राइटिंग की क्लास, एक दिन वो लेते हैं, एक दिन मैं लेता हूँ एग्ज़ाम इंडिया पे। अभी बीच से कुछ गतिविधियों के कारण से हमने बंद कर रखा था, फिर से चालू हो जाएगी, तो आंसर राइटिंग में भी आप लोग रेगुलर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके घर पे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी है, बट आपके पास वो भी विकल्प है। करंट की जितनी भी क्लासेज होंगी आपकी, करंट की जितनी भी क्लासेज होंगी हर चैनल पे अलग अलग होंगी। अब हमने प्लान ये कर रखा है कि यदि आईएएस एकेडमी है तो आईएएस एकेडमी में आईएएस लेवल का ही करंट जाएगा, ठीक है, यूपीपीसीएस एकेडमी है तो यूपीपीसीएस स्तर का ही करंट जाएगा, बिहार वाली एकेडमी है तो बिहार स्तर का ही करंट जाएगा, मतलब उस लेवल को हम लोग मैच करेंगे, सबके अलग अलग चैनल हैं। एग्ज़ाम इंडिया में जो भी रहेगा करंट अफेयर्स वो 1 डे लेवल का होगा, ठीक है, तो एक ये रखेंगे। आईएएस एकेडमी चूंकि मैं संभाल रहा हूँ तो आईएएस एकेडमी में जो भी करंट अफेयर्स मेरे द्वारा अब कराया जाएगा, अब चूंकि मैं एक नए ढर्रे से करंट अफेयर्स चालू करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएंगे, या तो आप घर पे उनको सुन लीजिए, कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ये हो सकता है। हर सप्ताह एक वीडियो आप लोगों को दूंगा, एक वीडियो रहेगा फैक्चुअल का, फैक्ट टाइप का डेटा रहेगा उसमें, ठीक है, फैक्चुअल डेटा रहेगा, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए जो बहुत ज़रूरी होता है। एक रहेगा आपका, एक क्या 3 से 4 वीडियो में लेकर आऊँगा अल्टरनेट, एक सप्ताह में 3 से 4 टॉपिक, 3 से 4 मुद्दे ऐसे होते हैं जो मेंस ओरिएंटेड होते हैं, तो मेंस के स्तर के उनको लेकर के आएंगे। बाकी डिस्कशन हमारा क्लास में भी बहुत सारी चीज़ों को होगा, है ना, ये एक ओपन माइंडेड क्लास रखनी है हमें, चीज़ों को बहुत ऐसा नहीं रखना कि कॉम्प्लिकेटेड, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आपके दिमाग में आता है विचार, जो आपके परीक्षा से जुड़ा हुआ है आप पूछ सकते हैं, ये आपके पास विकल्प है, ठीक, मन में विचार आ रहा है तो उसे दबाना नहीं है, उसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये हम लेकर के अभी से चलेंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि चीज़ें ऐसे ही बनी रहेंगी जैसे हम सोच रहे हैं, चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। अभी आप लोग देख रहे होंगे इस समय फिर से कोविड को लेकर के एक नया जो है सिगूफा चल रहा है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, अपने बचाव करके रखने बस,
जैसे विदाउट मास्क आपको घूमना नहीं है बाहर कभी भी, ये दिमाग बिल्कुल बैठा लो। क्लास में भी रहेंगे, मैक्सिमम टाइम कोशिश करना है मास्क पहनना है, किसी के टच में आ रहे हो सैनिटाइज करना है, ऊपर सैनिटाइज मशीन लगी हुई है ना, कभी भी आपको ऐसा लगता है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जैसे ही आप लोग की क्लास से खाली होगी पूरी सैनिटाइज करवाई जाएगी, जो भी ये क्लास हो गई या फिर जो भी आपका सेंटर है पूरा, ये टाइम टू टाइम पर सैनिटाइज होता रहेगा। ठीक है, अल्टरनेटिव दोनों है हमारे पास, डरने की जरूरत नहीं कि क्लास रुक जाएगी। यदि एक यही अल्टरनेटिव होता कि केवल ऑफलाइन है तो फिर दिक्कत हो जाती, इसलिए हम इसको लाइव ऑफलाइन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ये अच्छा तरीका है, है ना, आप लोगों के लिए ही बेहतरी के लिए है, बस इसका मिसयूज मत करना आप लोग। अब बस एक ही प्रण है, हमें दम लगा के पढ़नी है। 3-4 महीने अभी जो हम लोग ये पूरा एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कुछ कसर मेरे तरफ से ना रह जाए, कुछ कसर आपकी तरफ से ना रह जाए, बस ये सब्जेक्ट जितने आपके हैं पहले इनमें महारत हासिल करनी है, इन सब्जेक्ट को हमें नहीं छोड़ना है। यदि ये 4 सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट जिसके पास भी हैं, वो सभी जो है कोशिश करेंगे कि आप उन सब्जेक्ट की महारत हासिल करें। देखो मेरे साथ आमतौर पे मैं बताऊं कि मैं 3 महीने आपको ज़रूर बोल रहा हूँ, हो सकता है 3.5 महीना भी लग जाए, लेकिन जो भी कराऊंगा व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ अच्छे से ही होगा, इतनी जिम्मेदारी मेरी है, इतना ईमानदार प्रयास मैं हूँगा, पूरा होगा। पूरा का मतलब ये होता है कि कोई भी विषय बहुत बड़ा होता है तो दोनों को मिलके, इसीलिए साथ में आपको बुक भी बताऊंगा, किताब से भी करना पड़ेगा। देखिए मैं 2 बुक लाया हूँ आप लोगों के लिए, चूँकि इथिक्स मुझे पढ़ाना है तो एक इथिक्स की बुक आपके पास ये होनी ही चाहिए, समझ रहे हैं। यदि आप लोगों के पास पैसे ना हो, कोई ऐसी दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो, है ना, तो उस समस्या में इस किताब को नहीं रखना है, ये किताब आपके पास होनी चाहिए। ये किताब मैं चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे आमतौर पर मुझे पता है ना कि आप लोग किताबों में कंजूसी कर जाते हो, यही सब कुछ है। यदि इसको अभी 3 महीने नहीं पढ़ा आपने क्लास के साथ साथ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी किताब मैं चाहता हूँ इथिक्स में ये रखें आप, एक क्रॉनिकल की लेक्सिकॉन आती है, क्रॉनिकल प्रकाशन की, आपके पास 2 दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को, कल और परसों का, सैटरडे संडे का, ठीक है। 2 दिन का समय आप लोगों को मिलेगा, इन दोनों को किताब अपना मटेरियल, बस कंटेंट में आपको ये 2 ही चीज़ लेनी है, बस और कुछ नहीं लेना किसी को भी, ठीक है। बाकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इन किताबों को सोर्स के तौर पे नहीं रखूँगा, मैं कुछ नया पढ़ाऊँगा आपको, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ढूँढूँगा या फिर कहीं से भी, मैं अपना अभी कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। बाकी मेरे खुद के भी देखो, मैंने भी एक नोट्स वगैरह ना रखा है इथिक्स पे, मैंने एक बुक लिख रहा हूँ, तो देखो अब ये है मेरे बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो मैंने काम कर रखा है इथिक्स पे वो सारा कार्य मैं आप लोगों को कराऊंगा, आसान भाषा में आपको पूरी इथिक्स समझ में आएगी, ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी है, उसकी टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे आपको इमेजेस के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से जैसे हो सकेगा पॉसिबली कराऊंगा, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछते जाना आप लोग। तो पहला है हमारे सेशन का, देखो आपका क्लास का तरीका क्या है, आपके पास ऐप है सबके पास, मुझे एक बार अपना अपना ऐप ओपन कर लो। ये ऐप है एग्जाम इंडिया ऐप है, जिसमें सारे ऐप में यहाँ पे चैट वाला सेक्शन आप लोगों को दिख रहा है। देखो इसमें अब एडमिशन हो जाएंगे बंद, आपके संडे लास्ट रहेगा, संडे के बाद यहाँ पे कोई भी बच्चा एंट्री नहीं ले पाएगा, क्योंकि मंडे से क्लास आपकी प्रॉपर चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब जितने बच्चे आ चुके हैं, अब इनकी इनसे ज़्यादा संख्या बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब ये बैच खत्म हो जाएंगे, यहाँ से अनपब्लिश हो जाएंगे ये बैच, लेकिन आप लोगों को होम पेज में दिख रहे होंगे जिन छात्रों ने ले रखा है, ठीक है। तो इथिक्स वाला जो बैच है ये आपका है ना, ये तो बैच हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो तीन सिस्टम हमने बना रखे हैं, एक सिस्टम तो हमने यहाँ पे लाइव क्लास का ऊपर ही बना रखा है हम, लेकिन अभी यूट्यूब के थ्रू लाइव है, अभी जो लाइव चल रहा है लाइव ऑफलाइन, ये यूट्यूब के थ्रू है, क्योंकि ये इजी आप लोगों को भी लगता है, इजी हमें भी लगता है। कुछ ही दिन बाद हम ऐप से भी लाइव हो सकते हैं, जब होंगे तो मैं सूचित कर दूंगा, और पहले लेकिन एक बार आप लोग सीख लीजिएगा कि ऐप के थ्रू लाइव में ये फ़ायदा है, आप लोगों की आवाज़, यदि आप वहाँ से बोलोगे अपने घर से तो आवाज़ यहाँ सुनाई देगी सेंटर में, समझ रहे हैं, जैसे जूम में होता ना, जूम ऐप में वैसे ही पूरा सिस्टम है यहाँ पे हमारे ऐप के अंदर, लेकिन अभी हम थोड़ा सा उसको लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि आप हैबिचुअल किसके लिए हैं, यूट्यूब के लिए, पहले ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग के बाद फिर हम उसको कम्युनिकेशन के साथ 3-4 सेशन के बाद फिर उसको उस पे आ जाएंगे, वो बेहतर रहेगा। चैट से बेहतर है कि आप वहीं से बोलें और बोलने के बाद टीचर आपकी आवाज़ सुने, रिप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे चैट वाले सेक्शन में सारे ग्रुप दिख रहे होंगे, जो भी ग्रुप आपने जिनमें भी जुड़े होंगे सारे ग्रुप दिख रहे हैं, जैसे एक इथिक्स का ग्रुप दिख रहा होगा, एक साइंस टेक का दिख रहा होगा,
एक आईआर का दिख रहा होगा, एक आपका ज्योग्राफी का दिख रहा होगा, सारे ग्रुप दिख रहे हैं। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, ये टाइमिंग पे बैच लिंक इसी ग्रुप चैट बॉक्स में आएगी, इसी चैट में, व्हाट्सअप की तरह है ये पूरा, है ना। यहीं पे कोई भी यदि आपको डाउट होता है, मान लो अभी तो यहाँ पे बैठे हो, बाकी जो लाइव ऑफलाइन वाले हैं, आप घर से भी यदि कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं यहीं पे चैट में ही। जैसे मान लो क्लास आज कितने बजे है, क्या है, कोई भी डाउट हो आप यहीं पे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का एक बड़ा ये तरीका हमारा है, ठीक। बाकी संस्था का एक नंबर है, आप सबके पास होना चाहिए, कभी भी कोई दिक्कत आती है 9115269789। ये नंबर तो दीपक सर का है आपके, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, ठीक। ये नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए 9115269789। ये नंबर आपको ऐप में भी मिल जाएगा, ऐप में दो नंबर हैं। पहला नंबर ये है कॉन्टेक्ट अस 1, कॉन्टेक्ट अस 2, दो नंबर है। कॉन्टेक्ट अस 2 जो है ये दीपक सर का नंबर है, ठीक है। इजीली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं। तो क्लास चलने का तरीका ये रहेगा, लिंक के थ्रू आपको अपने टाइमिंग पे जा जाना है, उस टाइमिंग पे आपको लिंक ओपन करनी है, और जैसे उस टाइमिंग पे लिंक ओपन करेंगे यहाँ से क्लास लाइव हो जाएगी। यदि कोई प्रॉब्लम इंटरनेट की होती है तो मैंने बोला क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म पे आ जाएगी, रिकॉर्डेड के लिए सूचित कर दिएगा कि क्लास अब रिकॉर्डेड आएगी आपकी, ठीक है। चलिए, हाँ चंदन कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं सर इथिक्स में GS4 पूरा कवर होता है क्या। हाँ बेटा, अभी मैं आज का सेशन मेरा आप लोगों के सिलेबस डिस्कशन का ही है। आज के सेशन में मैं IAS के पूरे सिलेबस को डिकोड करूँगा और उसी में इथिक्स का भी सिलेबस आपका आएगा। तो जो आपका GS पेपर 4 है, GS पेपर 4 है आपका जनरल स्टडी का चौथा पेपर, ठीक है। इसका नीति शास्त्र, ठीक है, या इथिक्स का पेपर जो आपका है, इस पेपर को, इस पेपर में प्लस केस स्टडी, केस स्टडी हर एक उसके साथ जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे जुड़ा हुआ केस भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना। एग्जाम्पल भी इसमें साथ साथ हमें होने चाहिए, ठीक है। तो हम नीति शास्त्र में ये GS पेपर 4 पूरा कवर करता है और इसमें कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इसी में करना है, जितने भी टॉपिक हैं सब आकर के इससे बाद में जुड़ेंगे। तो अभी हम इसको डिकोड करेंगे, इसके सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे, और इसमें कुछ नहीं है, पूरा का पूरा चौथा पेपर आपका इथिक्स का कवर हो जाएगा यदि आप ये सेशन पूरा कर लेंगे। बाकी देखो, दो किताबें मैंने बताई हैं, दोनों किताबें कॉमन होंगी। आपको एक कॉमन नोट्स बनाने हैं जिसमें क्लास नोट्स भी सम्मिलित होंगे, इस बुक के इनपुट भी होंगे, इस बुक के इनपुट भी होंगे, ठीक है। दोनों की लैंग्वेज अलग है, दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इससे केस मिलेंगे आपको, वो केस भी डालना है, इससे भी केस मिलेंगे, लेकिन हम जब तीनों पढ़ लेंगे, क्लास प्लस ये बुक प्लस ये बुक, सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तीनों होने चाहिए, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट में करेंगे, मैं हर सब्जेक्ट की आपको बुक बताए देता हूँ, बाकी संबंधित टीचर आके आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। इंडियन ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी को तीन भागों में बांटते हैं, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा तो उसमें सारा आ जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी है और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं इंडिया और वर्ल्ड के ऊपर। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी तो जुड़ा ही है उसके साथ, लेकिन मैप बेस्ड जानकारी आपको, लोकेशन वाली जानकारी, वो सारी उससे जुड़ाव रखती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है, आपका इंडियन ज्योग्राफी में भी लोकेशन, कौन चीज़ कहाँ अवस्थित है, है ना, लोकेशन वाली जानकारी, साथ में क्यों अवस्थित है, जहाँ पे क्यों लग जाता है वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है, और कहाँ जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे आपका लोकेशन वाली जानकारी यानी मैप बेस्ड जानकारी आ जाती है। तो दो ही चीज़ें हमें समझनी है, क्यों मतलब उसका रीज़न, हिमालय तो फिर क्यों है यहाँ पे, क्या रीज़न है कि यहाँ पे हिमालय आ गया, यहाँ पे क्यों समतल मैदान है, यहाँ पर क्यों पठार है, है ना, यहाँ पे ही नदी क्यों बह रही है, ये नदी ने इस तरीके की संरचना क्यों बनाई है, जहाँ पे क्यों लगाते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी टोटल क्यों का आंसर देती है, वो बताती है क्यों है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का मेथड क्या है, तो वो फिजिकल ज्योग्राफी बताती है। बाकी इंडिया और वर्ल्ड तो लोकेशन बताते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ अवस्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये फैक्ट बेस्ड जानकारी होती है, ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ भी होता है,
कौन सा देश कहाँ पे है, उस पर कौन कौन सी अवसंरचनाएँ हैं, भौगोलिक उच्चावच कहाँ पे कौन से हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ जानते हैं। तो मैप बेस्ड जानकारी आप यहाँ पे दोनों चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, हर चीज़ आसान बनाने का काम हमारा होगा, आपका काम होगा क्वेश्चन पूछना, आप क्यों के साथ आपको लगे रहना, हर चीज़ में क्यों ज़रूर पूछना है, ठीक। साइंस एंड टेक जो है आपका, देखो ये बेटा ये सब्जेक्ट तो आपका पहले है मेंस का, लेकिन अब पीटी में बहुत पूछे जा रहा है इससे क्वेश्चन, चाहे आईएएस हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अब ये जैसे जैसे इसमें कुछ सब टॉपिक हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, अभी कोरोना कोविड की टाइम चल रहा है, बहुत सारी वैक्सीन बन रही है, तो किसके अंतर्गत आएगा, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत या बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो एक है बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा देख रहे हो स्पेस रिसर्च में बहुत काम हो रहा है, अंतरिक्ष अनुसंधान में काम हो रहा है ना। तीसरा आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी पे काम हो रहा है, जो मानव के जीवन को सुलभ बनाने के लिए नित्य प्रतिदिन नवाचार हो रहे हैं, वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय वस्तु के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जैसे रोबोटिक्स, एक नए तरीके का रोबोटों के माध्यम से हम मानव जीवन को सुलभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और रोबोटिक्स का प्रयोग हर जगह हो रहा है, चाहे वो चिकित्सा प्रौद्योगिकी हो चाहे वो रक्षा प्रौद्योगिकी हो, है ना, हर जगह पर उसका प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर हो गया आपका, है ना, वो भी आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा आपका बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, है ना, तो ऐसी जितनी भी प्रौद्योगिकियां हैं सब इसमें आप पढ़ेंगे, और ये आपका जीएस पेपर 3 में है ये टॉपिक। इसकी बुक की बात कर लेते हैं, देखो बुक मैंने वैसे पूरी बुक लिस्ट बताई है, एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, यदि आप उसे देख लेंगे तो वहाँ पे मैंने एक एक बुक सारी बताई है। मेरा मानना है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पास वो किताबें होनी चाहिए, और सिलेबस आपके जुबान में रटा होना चाहिए। आपको सिलेबस पहली प्राइमरी जानकारी है कि जिस एग्ज़ाम की ओर आगे बढ़ रहे हो उसका यदि सिलेबस ही नहीं पता तो आप अपने आप को भी भ्रमित कर रहे हो और सबको भ्रमित कर रहे हो, ठीक है। तो अभी हम सिलेबस पे एक बड़ी चर्चा पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो ज़्यादा बारीकी से नहीं यदि बता पाता, लेकिन तरीका बता के जाऊँगा, वो काम आप करेंगे, क्योंकि बारीकी का मतलब है 7 दिन का टाइम, या 2 या 3 दिन का तो डेडिकेटेड 12-12 घंटे का टाइम, तो आपके पास 2 दिन मिलेंगे सैटरडे संडे का, ठीक है, कल परसों। तो कल जो आज मैं मेथड बता के जाऊँगा वो काम आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है, सबमिट करेंगे उन सब चीज़ों को जितनी भी हैं। सबमिट करने की जगह कहाँ पे है, आपका ग्रुप, फ़ोटो भी क्लिक करके भेज सकते हैं, जो भी है आप वहीं पे सारी चीज़ें सबमिट करेंगे, बाकी क्लास में भी आप मुझे यहाँ पे दिखाएंगे जितने लोग यहाँ पे हैं। समय समय पे नोट्स भी आपके चेक किए जाएंगे, ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी। क्लास में आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी आपकी, यहाँ पे भी आंसर राइटिंग होगी, बीच बीच में हम टेस्ट भी ले सकते हैं, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, बीच बीच में टेस्ट भी आप लोगों का होगा। यदि मुझे लगता है तो बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा बहुत आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाने का प्रयास होगा, कि आप कुछ कम्युनिकेट कर पाओ, बोल पाओ, जो सीख रहे हो जो पढ़ रहे हो उसको कन्वे कर सको, दूसरे तक पहुंचा सको, इसका भी प्रयास हम करेंगे, ठीक है। कोशिश ये करना टाइम से क्लास पहली बात आना है, सारी टाइम से आप चाहे वहाँ उपस्थित रहो, घर बैठे उपस्थित रहो, चाहे यहाँ उपस्थित रहो, इस चीज़ में कोई गड़बड़ी हम नहीं करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा अनुशासन में रखना है कि 3 महीने हमें प्रॉपर, देखो जो समय चल रहा है ना ठंड का समय, इस समय पर कुछ भी कर सकते हो, आप खूब खा सकते हो, शरीर में लगेगा, है ना, खूब सो सकते हो, खूब मज़ा भी आएगी, आप बोर भी नहीं होगे सोने से, ठीक है, ये भी अच्छा समय है। खूब पढ़ सकते हो, इस समय पे दिमाग आपका ज़्यादा लोड ले सकता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो खूब पढ़ भी सकते हो आप लोग, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये समय जो आपका है ना बहुत अच्छा समय चल रहा है, और इस समय को हम ऐसे ही जाया नहीं जाने देंगे, इस समय को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर देंगे, समझ रहे हो ना, ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे चाहे जो हो जाए, इतना तो कम से कम प्रयास हम लोग करेंगे अपने स्तर पे, ठीक है। तो साइंस एंड टेक में जो बुक है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी में एक बुक ले लेना, भूगोल एक समग्र अध्ययन, एक ये आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन, महेश कुमार वर्णवाल की, ठीक है, ये फिजिकल ज्योग्राफी भी कवर करती है, इंडियन भी करती है और वर्ल्ड भी करती है। वो देखो 50 किताबें अब हमें नहीं पढ़नी, हाँ आती है वर्णवाल की, तो बहुत सारी आ गई, NCERT का उन्होंने पूरा निकाल दिया, मत पढ़ो, मैं बोल तो रहा हूँ नहीं पढ़ना, हम सीधा NCERT डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, है तो मत पढ़ो, क्या करना है
तो पढ़ना नहीं है, मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ, नहीं पढ़ना उसकी किताब को, बस बस ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्यों टाइम ख़राब करना ये बताओ। एक एडवांस बुक एनसीईआरटी होती कि भाई बेसिक्स ज्योग्राफी में आपको कुछ भी नहीं पता है, ऐसा तो है नहीं, क्लास किस लिए कर रहे हो फिर ये बताओ, हम लोगों का क्या महत्व हुआ फिर, हमारा काम है आपके बेसिक क्लियर करना पूरा, कुछ भी छोड़ के नहीं चलना, जहाँ पे आपको दिक्कत है उसका समाधान करना, तो एनसीईआरटी का काम तो टीचर करेगा, ठीक है। आपका काम है साथ में एक एडवांस बुक इसलिए लेके चलना कि टीचर कुछ छोड़ देता है मान लो बाय डिफॉल्ट, तो आपके रिस्क में ना रहो, इसलिए किताब बताई जाती है, ठीक है। हम चाहे जितना कर ले कुछ ना कुछ रह ही जाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है पूरा वो, और उस सब्जेक्ट का समग्रता से अध्ययन करना, कुछ छोड़ना नहीं है, पहले ईमानदारी आपको ये बरतना है और यही ईमानदारी हमें बरतना है। लेकिन आप खुद सोचो अभी टाइम कितना है, मान लो 1.5 घंटे हम डेली देते हैं, 3 महीने की बात है, सप्ताह में केवल 5 दिन ही मिल रहे हैं, तो भी मुश्किल से 100 घंटे से ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिलेगा, 100 घंटे से ज़्यादा हम आपकी क्लास नहीं रन करा पाएंगे। 100 घंटे में भूगोल जैसा एक विशाल सब्जेक्ट, इंडियन ज्योग्राफी जैसा एक विशाल सब्जेक्ट नहीं कर कराया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं आप, है ना। तो हम चाह रहे हैं दोनों मिल के करें, आप भी घर पे एक किताब पढ़ें, ताकि बाद में किताब तो आप पढ़ना ही है, हम चाहे जितना यहाँ पे आपको जितना रस दे दें, लेकिन आप किताब पढ़ोगे सर पटक के, आप मानोगे नहीं, तो बेहतर है कि अभी से लेके चलेंगे एक किताब प्लस साथ में क्लास, बस इतना पर्याप्त है, मैं आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको, फिर एक ही किताब लेना है, 50 किताबों के चक्कर में क्यों पढ़ना। एनसीईआरटी का काम मैं बता रहा हूँ टीचर करवा देगा, यदि आपकी इच्छा बहुत होती है कि भाई मुझे एनसीईआरटी, फिर टाइम बहुत जानते, फिर इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, फिर 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आती है, ओल्ड एनसीईआरटी वो पढ़ो, 11th की भी एनसीईआरटी आती है वो भी पढ़ो, ये सब काम तब करना जब रिवीजन में आ जाना, तब कर लेना। क्लास के साथ एक बुक ही रखना है, महेश कुमार वड़वाल की एक बुक आती है, यदि वो नहीं है आपके पास, एक माजिद हुसैन की भी आती है TMH की, दो में से कोई एक किताब, यदि वो है तो ठीक है, नहीं है तो समग्र अध्ययन है, क्योंकि बच्चे दोनों में से कोई एक लेके रखते हैं, तो या तो माजिद हुसैन की वो अच्छी है, या तो वर्णवाल भी अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों में से डिफ़िकल्ट है ना, उसमें ज्योग्राफी के शब्द मतलब थोड़ा सा देखो अंतर यही होता है, एक प्रोफेसर लिख रहा है एक किताब, और एक किताब लिख रहा है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला छात्र। आज के टाइम पे महेश कुमार वड़वाल ऑलरेडी सिलेक्टेड पर्सन है ना, SSP हैं आज के टाइम पे, तो उन्होंने जो बुक लिखी वो सामान्य भाषा में लिख दी, ठीक है, और एक प्रोफेसर जो लिखेगा तो उसने PhD कर रखी है, उस भाषा में लिखेगा, अंतर होता है ना, एक विशेषज्ञ की लिखने की बात और एक जनरलाइज, जैसे एक शिक्षक के तौर पर आप मुझे कहेंगे मैं पढ़ाऊँगा और आसान भाषा में पढ़ाऊँगा, समझ रहे हैं ना, तो आसान आपको जो लग रही हो, जिसको पढ़ने के बाद ये हो कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही, वही करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करने हमें, ये दिमाग में बैठा के चल रहा है। यदि आपको समग्र दिन समझ में आ रही तो क्यों फालतू का फिर सर फोड़ना, एक ले लो जो आपको मर्जी हो, दोनों दो मैंने ऑप्शन इसलिए दिए, और इतने में से काम नहीं बनेगा, लेकिन हम दो स्पेसिफिक बुक और लेंगे, एक परीक्षा वाणी की आती है इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल, वो पूरा फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है, पिछले साल के क्वेश्चन का संकलन है, फैक्ट है, एक वो पढ़ेंगे, वो इंडिया के लिए हो गई, एक उसी की वर्ल्ड के लिए भी आती है उसको भी पढ़ लेंगे, ताकि फिर कोई रिस्क ना रह जाए। इंडिया ज्योग्राफी साथ में एक एटलस रहता है स्टडी टुडे पब्लिकेशन का, मैं हमेशा कहता हूँ एक एटलस लेके चलना स्टडी टुडे का, और दूसरा क्या करना है हमें स्टडी टुडे के बाद कट एंड ड्रॉ, ताकि ब्लैंक जो भी बनाते चले, अब टाइम नहीं मिलेगा, देखो ज्योग्राफी भर में इतना हमारे पास 3 महीने का टास्क ये निकल के आ गया, क्लास प्लस ये किताब, किताब में भूगोल एक समग्र अध्ययन और दूसरा परीक्षा वाणी का इंडियन ज्योग्राफी, इसके लिए मेरा टारगेट वीडियो उठा सकते हो, टारगेट वीडियो नंबर 9, 10, 11, 12 ये आपके ज्योग्राफी को टारगेट करके चल रहे हैं। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आजाद पब्लिकेशन में पब्लिक है, जिसमें दो ही किताबें लेके चल रहा हूँ, भूगोल एक समग्र अध्ययन और दूसरी परीक्षा वाणी का भारत का भूगोल, अभी भूगोल एक समग्र अध्ययन और लेके चलूँगा आगे अभी अगले इस पूरे महीने में, और विश्व भूगोल में भी आ जाऊँगा, तो आप उससे भी हेल्प लेना है आपको कहीं से भी। एक क्या होता है ना, जब किताब पढ़ते हो तो एक टारगेट होना चाहिए अपने सामने कि कितना पढ़ना है किस वीक में, ताकि वो टाइमली हो जाए, ऐसा ना हो कि बस हो जाएगी कर लेंगे कभी। देखो हमें क्या करना है ना, कछुए की गति से निरंतर चलना है, ये नहीं कि एक बार में दौड़ लेंगे, नहीं, निरंतरता वाली कहानी रखनी है, नदी बनना है ना, सतत बहती रहे, रुक जाएगी तो क्या होगी, सड़न हो जाएगी,
भागना, एक बार में नहीं भागना, एग्जाम के टाइम का बर्डन नहीं रखना है। अभी से ही हमें ऐसा काम करते चलना है कि एग्जाम तक सतत चल रहे हैं, पूरा रिवीजन भी एक सीक्वेंस से हो रहा है और सारी चीज़ें। मैं आज आप लोग का एक शेड्यूल भी फिक्स करा दूंगा सभी छात्रों का, तो शेड्यूल के साथ भी दिक्कत नहीं होगी। एक स्टूडेंट हैं अश्विनी प्रजापति, कह रहे हैं सर ज्योग्राफी में ऑनलाइन बैच प्रीकम मेंस में जो पढ़ाया गया है वह लाइव ऑफलाइन में चलेगा या कुछ और? अश्विनी जी बेटा देखो, एक तो पहले मैंने पढ़ाया, खुद ही भी पढ़ाया था मैंने इंडियन ज्योग्राफी, ये पढ़ा रहे हैं कुलिंदर सर, तो यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, वही चीज़ कहाँ चलेगी। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि मैंने यदि कोई लोकेशन बताई हो दूसरे टीचर आके कोई और लोकेशन बता नहीं देंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी हम अपडेट करने वाली बात है, बाकी जो मैंने पढ़ाया है वही चीज़ वहाँ भी पढ़ाई जानी है, तो यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है उस पर, है ना। सुब्बा राव की बुक इंग्लिश में भी आती है मुझे लगता है, जहाँ तक कि जी सुब्बा राव की बुक इंग्लिश में भी आती है जहाँ तक संभवता, हाँ शायद आती है, एक बार पता कर लीजिएगा। लेक्सिकॉन की तो इंग्लिश में आती है, क्रॉनिकल की, ठीक है, चंदन कुमार सिंह पूछ रहे हैं, तो इंग्लिश में आती है। हाँ रजनी पाठक जी, एक लेक्सिकॉन की, अभी मैं इथिक्स का बताऊंगा, टेंशन ना लो, जितने लोग इथिक्स वाले हैं टेंशन ना ले, मैं सबको बताऊंगा सारी चीज। हाँ थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लो, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे ही बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो सभी बच्चे। इथिक्स वालों अभी थोड़ा सा टाइम लो, मैं आप लोगों को सब बताऊंगा लास्ट तक। तो यहाँ पे आपको ये तीन किताबों का खेल है, एक भूगोल, एक समग्र अध्ययन, एक परीक्षावाणी, और दूसरा आपका परीक्षावाणी में एनसीईआरटी कवर है पूरी, इसमें लिखा भी होगा। ठीक है, बाकी आप मत पढ़ो कुछ भी, मैं आपको बता रहा हूँ, इतने कर लिया आपने, इतने में महारत हासिल कर ली, कट एंड ड्रॉप और एटलस पे काम कर लिया, आपको ज्योग्राफी से क्या, आप आईआर में भी बहुत मजबूत बन जाओगे, आप हिस्ट्री में भी बहुत मजबूत बन जाओगे, क्योंकि जब दिमाग में मैप आ जाता है, मैप इंटर कर जाएगा, आप अलग ही दुनिया के आदमी बन जाओगे। आपसे कोई भी पूछेगा ना कि जर्मनी में ये चीज़ है, आपको पता होगी, स्विट्जरलैंड में ये है पता होगी, इटली में ये चीज़ है पता होगी, इसलिए मैप पे कमांड करनी है हमें, हर चीज़ पे मैप को नहीं छोड़ना है, बस दिमाग में बैठा लो, इतना काम करना है मैप में, पहले इंडिया, अपना इंडिया का कुछ नहीं बचना चाहिए, कोना कोना नहीं बचना चाहिए, ठीक, उसे खंगाल डालना है, सब मानचित्र में एटलस स्टडी टुडे ले लोगे सब कुछ होगा उसका, कुछ नहीं बचने वाला। ठीक, पहला काम तो ये कर लेना है, दूसरा काम है आपका साइंस एंड टेक, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत इस बात की होती है, कोई बच्चा साइंस, आप में से कौन कौन किस बैकग्राउंड से, बताओ एक बार बैकग्राउंड क्या है। अब देखो आपने बैचलर किया, इंटर में क्या किया था, पीसीएम था, तो अब इंटर में था तो थोड़ा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा बायो, लेकिन पीसीएम इसमें बायो नहीं है, मैथ थी, तो अब बायो में थोड़ा सा इशू आएगा आपके साथ, है ना। साइंस में क्योंकि आपका यदि साइंस अच्छा है, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आते हैं, यदि वो टॉपिक अच्छे हैं, लेकिन आमतौर पर वही है पीसीएम वाले बच्चे की बायो गड़बड़ है, और जो बायो से लिया हुआ है उसका केमिस्ट्री अच्छा हो सकता है लेकिन फिजिक्स गड़बड़ रहेगा उसका, है ना। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जनरलाइज करके पढ़ेंगे, कोई हमें ऐसा तो है नहीं कि हमें मेडिकल साइंस के लिए पढ़ना है, कोई डॉक्टरी के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, हमें जनरलाइज पढ़ना है, तो हमें चीज़ें कम से कम पता होंगी, ये क्लास में ही बताया जाएगा, टीचर की जिम्मेदारी रहेगी, आप पीछे पढ़ के पूछेगा हर चीज़, समझ रहे, ये आपके ऊपर है। देखो अब आप कितना रस निकालते हो, कितना निचोड़ते हो, टीचर को आपका काम है, समझ रहे हो ना। टीचर हर प्रवृत्ति का होता है, कोई टीचर होता है कि टाइम नहीं लगता, उड़ा देता है सब्जेक्ट को, ठीक है, अब ये बच्चे के ऊपर है, आपको पीछे पड़ जाना है, जितना पीछे पढ़ोगे टीचर उतना मेहनत करके आएगा, मेहनत आपको करानी है, आप नहीं कराओगे, आप ऐसे बैठे रहोगे, टीचर कहेगा बढ़िया है, मुझे क्या दिक्कत पड़ी है, भविष्य आपका है, फ्यूचर आपका है, ठीक है, चाहे जितना ईमानदार टीचर हो, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उसको और ज़्यादा प्रेशराइज करो, और ढूंढ के लाओ, और रिसर्च करके लाओ, और डरो मत, डरने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं। आपका क्या है बैकग्राउंड, बी ए आपने भी कर रखा है, पी सी एम किया, पी सी एम टू बी ए, हाँ नेक्स्ट बी एस सी किया है, बैकग्राउंड क्या था ट्वेल्थ का, आप भी पी सी एम थे, आप पी सी एम से ग्रेजुएशन में क्या किया, आर्ट से किया था आपने, आप पी सी एम आपने भी किया है, आप भी पी सी एम वाले, अच्छा बी एस सी वाले, तो इंटर बायो रहा होगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये करंट पे चल रही हुई चीज़ें हैं, जो भी हाल फिलहाल में रिसर्च हो रहे हैं,
आप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, है ना। ये पूरा आपका इनोवेटिव सब्जेक्ट है जहाँ पे लगातार इनोवेशंस हो रहे हैं, तो इसका करंट वाला सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको भी साथ साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे, आपको भी मेहनत करके आनी है, टीचर भी करेगा। मैं आप लोगों को एक इसमें सुझाव देता हूँ, जितने भी छात्र हैं, राजसभा टीवी देखते हो, नहीं देखते तो देखना है। इसका एक सैटरडे को प्रोग्राम आता है ज्ञान विज्ञान, इंग्लिश में आता है साइंस रिपोर्टर और हिंदी में आता है ज्ञान विज्ञान, उसे देखो, साइंस एंड टेक ही है वो, कुछ नहीं है। यदि आपने एक साल का ज्ञान विज्ञान टारगेट कर लिया ना, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नेशनली और इंटरनेशनली सारे इशू को लेकर के चलता है ज्ञान विज्ञान, ठीक है। एक एक एपिसोड लोगे, करंट वहाँ से हो जाएगा, बेसिक यहाँ से हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका मेरा जो मुझे पढ़ाना है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि करंट के आने वाले जितने भी इशू हैं, सारे इशू आपके इससे जुड़े हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सिनेमा जगत तो बंद हो गया, जैसे ही कोविड लगा है ना, लॉकडाउन हो गया, तो सिनेमा जगत पूरा बंद हो गया आपका। उसका अल्टरनेटिव क्या था? ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म जितने भी थे, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, है ना, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, उभर के सामने आए। बहुत सारी मूवियाँ ऐसी थी जो OTT में, जैसे Hotstar, है ना, सारे जो है TV को धीरे धीरे खा जाएंगे आने वाले समय में, OTT प्लेटफॉर्म तो सब यहाँ पे। लेकिन उसके साथ क्या है, उसमें सेंसरशिप नहीं है, आप देख रहे हो, उसमें सेंसरशिप नहीं। जैसे TV के लिए तो या फिल्मांकन के लिए तो एक संस्था बनी हुई है, है ना, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड बना हुआ है। पहले कोई भी मूवी आएगी, पहले वहाँ जाएगी, वहाँ से सेंसर होगी, देखा जाएगा कि ये समाज के लिए देने लायक है या नहीं है। यदि कोई उसमें ऐसे सीन है जो कि समाज की मर्यादाओं का पालन नहीं करते तो उनको सेंसर कर दिया जाएगा। लेकिन OTT में तो यह है नहीं, कुछ भी परोसा दे जा रहा है, गालियाँ परोसी जा रही हैं, है ना, पोर्नोग्राफी परोसी जा रही, कुछ भी परोस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगभग जितने भी बड़े बड़े चैनल, जैसे कि एक बूट करके है, सोनी लिप करके है, बालाजी एल्ट, ऐसे बहुत सारे बन गए अब तो, एक जी का भी है शायद, है ना, जी का भी है, बहुत सारे हो गए। तो अब आप खुद देखिए, अब इनका स्कोप बढ़ता जा रहा है, लोगों की रीच भी बढ़ती जा रही है लॉकडाउन के बाद तो और ज़्यादा। तो ऐसे में अब क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इनके लिए भी सेंसरशिप लेके आए, है ना। लेकिन अब जब बात सेंसरशिप की आती है तो फिर वहीं पर बात आके खड़ी हो जाती है, वाक एवं अभ्यक्ति स्वतंत्रता की बात आके खड़ी हो जाती है ना, वाक एवं अभ्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। तो ये भी आपका एक इथिकल इशू है। ऐसे कितने भी इथिकल इशू हैं, अभी कोविड के दौरान तो बहुत सारे इथिकल इशू निकल के आए। अब जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर सरकार के द्वारा शराब की दुकानें खोलना, ये भी एक इथिकल एजुकेशन इशू है। तो मल्टीपल इशू हैं कि आपको हर जगह पे एक इथिक्स दिखेगी। जब आप प्रशासन पे जाओगे तो बहुत सारे डिसीजन आपके जा करके नैतिक दुविधा में जाके फंस जाएंगे। आपको ये लगेगा कि मैं ये करूँ या ये करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार आपका जो जमीर है, जो आपका आत्मसम्मान है, जो आपका अहम है, जो आप खुद हैं, स्वा बोलते हैं ना, स्वा, खुद की परिभाषा, वो आके आपको रोकेगा गलत काम करने से। लेकिन सिस्टम का हिस्सा होने के कारण से आपको कई बार उनकी सहभागिता भी बन सकती है आपके साथ। तो इन सब चीज़ों को भी समझते हुए हम इथिक्स को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। पहले देखो मेरा यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगा, पहले मैं आपको बेसिक्स लेके चलूँ, एक महीना पूरा बेसिक लेकर के चलूँगा। उस बेसिक में आपको बहुत छोटे छोटे इशू से परिचित कराऊंगा, छोटी छोटी जितनी परिभाषाएं उनसे परिचित कराऊंगा, चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। अगला एक महीना जो रहेगा मैं कोर टॉपिक में इंटर कर जाऊंगा, ठीक है, जैसे थिंकर्स हो गए, है ना, उनके बारे में जो भी है, अभी सिलेबस देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और जो अंतिम महीना होगा उसमें केस स्टडी पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक। ये तीन को लेके पहला महीना मैं बेसिक्स लेके चलूंगा, दूसरे महीने में हम कोर टॉपिक में इंटर करेंगे, और लास्ट महीने में केस स्टडी में इंटर करेंगे, केसेस करेंगे। यानी जनवरी तक में आप इथिक्स की एक अच्छी पकड़ रखने वाले बन जाएंगे, ठीक। तीन महीना देखो मैक्सिमम मेरे ख्याल से हो जाएगा, यदि रेगुलर क्लास चल पाई तो, कोई दुविधा नहीं आई, कोई बाधा नहीं आई किसी तरीके की तो, लेकिन चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये रहेगा आपका, इसमें दो किताबें मैंने आपको बताई हैं, पहली आपकी ये है, ये होनी ही चाहिए आपके पास, ठीक, ये भी होनी चाहिए आपके पास, दो किताबें ये
हर हालत में होनी चाहिए। दोनों हिंदी मीडियम की हैं, इंग्लिश में भी शायद दोनों अवेलेबल हैं, आपकी मर्जी, आप जिससे पढ़ना चाहो, जहाँ तक आपके देखना है। बाकी ये दोनों के अलावा बहुत सारे लोग हैं केवल इसको ही पढ़ते हैं, काम हो जाता है, लेकिन जितना मैंने दोनों को मैच किया है, दोनों को मिला के ही सिलेबस कंप्लीट होगा। इसमें थिंकर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसमें कम्प्लीटली थिंकर्स वगैरह सारा कुछ आपका कवर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें दोनों किताबों को रखना पड़ेगा, बात नहीं बन पाएगी अकेले से एक किताब से। ये तो रही इसकी बात, अंतिम है आपका आईआर भी करंट ही है थोड़ा सा। देखो इसका शुरुआत ही होता है भारत की आज़ादी के बाद ही, भारत और अन्य देशों के साथ संबंधों को आपको पढ़ना है। और जो कूटनीति है, कूटनीति का मतलब समझते हैं क्या होता है, क्या होता है कूटनीति बताओ, डिप्लोमेसी क्या है, कूटनीति बताएं भाई, लाइव ऑफलाइन वाले बताएं कूटनीति का मतलब क्या है। कोई भी छात्र बताएगा मुझे कूटनीति का मतलब क्या है, हाँ बताएं, कोशिश करें। सामने वाली मतलब नीतियों को, विदेश नीति नहीं है बेटा सोनी एकता जी, कूटनीति का मतलब विदेश नीति नहीं है। देखो डिप्लोमेसी है क्या, डिप्लोमेसी बिल्कुल आसान भाषा में समझो, अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देश की विदेश नीति को बदल देना, समझ रहे हो ना। हमें अपने राष्ट्रीय हितों को हमेशा सर्वोपरि रखना है, तो हमें ऐसे रिलेशन क्रिएट करना है जिससे हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित ना हो। किसी दूसरे देश की विदेश नीति को इस तरीके से, जैसे अभी पाकिस्तान के साथ हमारे देश की, हमारे राष्ट्रीय हित है ना मैच नहीं हो रहा है, तो हमने उनसे संबंध भी नहीं रखे हुए, तब तक नहीं रखेंगे जब तक एक दबाव बना के रखेंगे ताकि वो खुद हमारे हिसाब से ढल जाए। तो विदेश नीति में कुछ नहीं होता, अपने राष्ट्रीय हितों को हम सर्वोपरि रखने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं, ठीक। सब देश यही कर रहे हैं और इसमें साम दाम दंड भेद चारों चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, ठीक है। कूटनीति में कूटनीतिक इथिक्स अलग होती है, ये इथिक्स एक अलग तरीके की इथिक्स है। यहाँ पे भी जब राष्ट्र की बात आती है तो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए गुप्तचरी करना है ना, दूसरे देश की गुप्तचरी करें, किसी की प्राइवेसी ख़त्म करें तो गलत है ना, है ना। किसी देश के अंदर के मामलों पे दखलंदाजी देना गलत है। मान लो बांग्लादेश है, हमारा पड़ोसी है, लेकिन आप खुद देखिए वहाँ पे यदि अब, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बांग्लादेश से हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर साझा होती है, हम बंगाल की खाड़ी भी साझा करते हैं उसके साथ। यदि वो देश भारत के खिलाफ हुआ किसी तरीके से, उस देश की सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति आके बैठ गया जो भारत के खिलाफ हो जाए, तो निश्चित तौर पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बाधा पहुँचेगी। तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन ये गलत है, इथिकली देखें तो गलत है कि हम किसी दूसरे के मामले में क्यों दखलंदाजी करें। जैसे अब नेपाल था, आपने देखा इस बीच में नेपाल ने कार्ड खेला, चाइना कार्ड है ना, लेकिन वहाँ पे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसे अपने कॉन्फिडेंस में रखें। तो अपने पड़ोसी देशों के साथ हमें एक अलग तरह की कूटनीतिक इथिक्स डेवलप करनी पड़ेगी ताकि वो हमारे कॉन्फिडेंस में रहे। हमें ग्रो करना है तो अपने पड़ोस को शांत रखना पड़ेगा। और वैदेशिक संबंध, जो विश्व के सबसे बड़े देश हैं जहाँ से भारत जो है उभर के आ सकता है, विश्व के ऐसे वैश्विक मंच है जहाँ पर भारत की एक अनिवार्य उपस्थिति होनी चाहिए एक जिम्मेदार देश के तौर पर, वहाँ पर भी हमें उन देशों के साथ भी एक सामंजस्य और तारतम्य बैठा के बैठना पड़ेगा, है ना। तो ये एक डिप्लोमेसी में चलता रहता है। एक समय था जब चाइना से अच्छे संबंध हमारे थे, लेकिन युद्ध हुआ, बिगड़ गया। नेहरू इरा में चाइना से बहुत अच्छे संबंध थे, हिंदी चीनी भाई भाई थे, 62 का युद्ध हुआ, सब बिगड़ गया। एक टाइम था कि हमारे अमेरिका से अच्छे संबंध बिल्कुल नहीं थे, आज अमेरिका से देखिए बिल्कुल गहरे संबंध है। तो ये समय और परिस्थितियां होती हैं जो विदेश नीति को बनाती और बिगाड़ती रहती है, ठीक है। तो आप हर एक पहलू से आईआर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ये सब्जेक्ट इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसका सबसे बड़ा रोल हो चुका है आईआर का, समझ रहे बच्चों। तो इसके लिए एक किताब आती है आपकी राजेश मिश्रा सर की, राजेश मिश्रा सर की बुक आती है और ओरिएंटेड ब्लैक स्वान के, है ना। तो क्लास नोट्स प्लस राजेश मिश्रा बस दो। एक और आती है शायद मेरे ख्याल से टीएमएच का है, हाँ टीएमएच निकालता है, पुष्पेश पंत सर है, जेएनयू प्रोफेसर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इनकी आती है। दो किताबें हैं,
पुष्पेश पंत प्लस राजेश मिश्रा, तो एक ही लेनी है, राजेश मिश्रा बेस्ट इस चीज़ में। तो ये चारों की किताबें हो गई आपके। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस में आ जाते हैं। देखो भाई समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें, सभी बच्चे जितने भी लाइव ऑफलाइन वाले हैं मुझे बताएं क्लास समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर अब मैं एक बार सिलेबस पे चलता हूँ और फिर वहाँ लेकर के प्रयास रहेगा कि हम एक बार चीज़ों को समझने का प्रयास करें। चले एक बार सिलेबस को समझने का प्रयास करें।